Today is 19th September 2024, Thursday, Nifty expiry. Welcome back to Smart Trader Hub. Today we are going to trade in Nifty expiry. Till now, I have not made any positions. Whatever position I'll make, I'll share with you. It will be based on my signal only. So the signal and the positions. Here you can see on the screen, I was just drawing the line because since it seems like to go up. तो मैंने क्या किया है, इधर अगर मुझे पुट स्प्रेड एग्जीक्यूट करना हो तो कहाँ पर मुझे प्रीमियम मिल जाएगा, वहाँ पर मैं अपनी लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ और मैं अपना बास्केट ऑर्डर भी बना के रखूँगा ताकि मैं जल्दी से एग्जीक्यूट कर सकूँ। एक्चुअली यहाँ पर कुछ सिग्नल मिल चुका था बट पता नहीं अपडेट नहीं हुआ था इसलिए मैं शायद यहाँ पोजिशन नहीं ले पाया। जस्ट अभी मैं रिफ्रेश किया तो पता चला कि यहीं पर सिग्नल आ चुका था 9:50 पे। ठीक है, तो अभी अपना नीचे का सिग्नल आ चुका है, विल मेक द पोजिशन समवेयर हियर 25,600 पे। आई हैव प्रिपेयर्ड माई बास्केट, इट्स हियर। सो द टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट इज जस्ट लाइक हियर, लेट्स कैलकुलेट द टोटल। तो अपन सी साइड में पोजीशन बना रहे हैं तो सी में टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ आ जाएगा और जो टोटल प्रॉफिट है वो एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिख जाएगा। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, हाउ वी आर मेकिंग द पोजीशंस देन, इट कांट बी ना, कुछ गड़बड़ किया। ओके नहीं, सेल किया हमने इसको बाई किया है 25,600 एट 19 सितंबर, टुडे इज द एक्सपायरी, द क्वांटिटी इज मिसमैचिंग आई गेस, सो लेट मी अगेन चेक व्हाट्स रॉन्ग। ओके द क्वांटिटी इज गोन टू मच, एक्चुअली बाय में थोड़ा सा क्वांटिटी 3 ज़्यादा एंटर हो गया था। अच्छा, वो चेक कर लिया, अदरवाइज आवर ऑर्डर वुड हैव एग्जीक्यूटेड। तो इट्स बेस्ट आइडिया टू डू द कैलकुलेशन बिफोर हैंड, तो अपने पास एटलीस्ट चांस रहता है। 13,281, लेट्स बेस्ट ईयर। सो वी आर टारगेटिंग अराउंड लाइक 4% प्रॉफिट टूडे एज पर आवर सिग्नल। लेट्स रिफ्रेश इट एंड सी द चार्ट एंड अभी फिर देख लेते हैं वो सिग्नल क्या है। पता नहीं चल रहा है यार, ये सिग्नल फिर से अपडेट हो गया, ये क्या होता है। ये देखो, हाँ यहाँ पर डाउन सिग्नल है ना। ठीक है, 9:50 को मैंने पोजिशन नहीं बनाई, कुछ रिफ्रेश नहीं हुआ था शायद। वट एवर आवर सिग्नल इज, वी हैव टू मेक द पोजिशंस। तो हमारे निफ्टी में कॉल स्प्रेड बन चुका है, लेट्स गो एंड सी आर पोजीशंस की कुछ वहाँ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ठीक है, सो द एवरीथिंग इज़ गोइंग एज पर आवर प्लान, जो हमने पोजीशन बनानी थी वही बनी है, कोई एक्स्ट्रा पोजीशंस नहीं बनी। एक्चुअली हमको पोजीशंस यहीं बना लेनी थी जब यहाँ डाउन का सिग्नल आया, बट पता नहीं यहाँ कुछ तो ग्लिच आया था, मुझे दिखा ही नहीं यहाँ पर। ओह नो, अगेन मैं फिर से मिस्टेक कर रहा हूँ, 15 मिनट्स का चार्ट खोलना था मुझे। शिट। ठीक है, डाउन का सिग्नल आया 15 मिनट्स में, दैट्स ओके, एटलीस्ट डाउन का सिग्नल अभी नहीं आया है, ये एंड होना है, फिर भी हमने पोजीशन बना दी। वो एक मिनट की कैंडल थी यार, शिट, ये मिस्टेक हो गई। टाइम फ्रेम भी देखना जरूरी है एक्चुअली, मैं सोच रहा इतने सिग्नल आए मिस्टेक कैसे हो गई करके, अभी दिख नहीं रहा था, टाइम फ्रेम की वजह से मिस्टेक हुआ है। एनीवे, अगर ये यहाँ पर नीचे का सिग्नल है डेफिनेटली, और अगर क्लोज हो जाता है तो अपनी पोजीशन सही जाएगी और उसके हिसाब से ही अपन ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। बट हमने पोजीशंस कहाँ पर एग्जीक्यूट की है, हमने एग्जीक्यूट की है कहाँ पर, लाइन भी ड्रॉ करनी है 25,600। ठीक है, तो इसको वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा 25,600। ओ माय गॉड, थोड़ा सा इधर बनानी थी क्योंकि अपना जो लो है ना वो भी यहीं पर है, इससे थोड़ा सा ऊपर बनानी थी। ठीक है, वट एवर इज हैपेंड, अभी लेट्स वेट और उसके ऊपर ही करना पड़ेगा अभी तो, इससे क्योंकि अभी जो, ठीक है अभी रहने देते हैं क्योंकि यहाँ 50 पॉइंट और ऊपर बनानी थी हमको, इसका लो भी नहीं है ना यहाँ तो। ठीक है, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। एक्चुअली क्या है, वो पोजीशंस मैंने निकाल के करेक्ट कर ली है, जो 600 थी वो निकाल दी मैंने और 650 पे शिफ्ट कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा नियर हो रहा था और नियर में पंगा होते होता है, तो 650 और 800 की पोजीशंस बची है, इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा नियर हो गया, मतलब अपना जो डाउन जाएगा उससे पहले हमको शायद पोजीशन स्क्वायर अप करनी पड़ जाएगी अगर यहाँ रहा तो इसको अपन थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं यार। वो थोड़ा बनाने से पहले मैंने देखा नहीं, सॉरी आई मेड मिस्टेक, एंड अच्छा हुआ कि मेरे को ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, अदरवाइज़ क्या है मेरा ये वाली कैंडल को ऊपर जाता है तो मेरे को यहाँ पोजीशन बनाने से पहले उसको मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ जाता, इतना भी नियर नहीं बनाना, थोड़ा सा इसके ऊपर रहने का, बिल्कुल नज़दीक बनाया तो दिक्कत होता है। इसको अपन एक प्राइस शिफ्ट 25,600 पे इसको मूव कर लेते हैं। मैं आपको कारण बता देता हूँ, कारण ये है कि अगर ये ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ आएगा तो मुझे पता है भाई कि 50 पॉइंट का गैप बचा है, मुझे कहाँ एडजस्टमेंट करना है, कहाँ पोजीशन बनाना है, वो सब करनी पड़ती है ना,
तो उसके लिए मुझे थोड़ा मार्जिन तो चाहिए, मार्जिन ही लिया मैंने, ठीक है अब आगे से ध्यान रखेंगे। इसमें एक चीज़ और चेंज होगी, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी चेंज होगा, तो हमको एनालाइज करके देख लेते, वरना फिर क्या हो पंगा होगा, फिर अपन उधर कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो जो ओपनिंग पोजिशन है उसमें कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है वो थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। वी हैव टू रिमूव दिस एंड देन सी 6,469। तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है वो हमने हाफ कर लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। कैपिटल ऑलमोस्ट उतना ही लगता है, तो कैपिटल को कोई उतना ज़्यादा अपन करेंगे तो भी मतलब नहीं आया, आप कैलकुलेट भी करेंगे तो उतना ही आएगा। ये देखिए अभी हमको एक सिग्नल मिला है ऊपर जाने का, मैंने यहाँ पर देखा था तो 25,300 पे ठीक ठाक थोड़ा मिल रहा था प्रीमियम, 9 रुपीज़ का है। तो एक पी स्प्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ताकि उस साइड में जाने को अगर मार्केट टर्न हुआ तो ये हमको हेल्प करेगा, और फिर इन दोनों के बीच में अपने को ट्रेल करना पड़ेगा। ये अपनी अपर पोजीशन है 25,650 और लोअर पोजीशन है 25,300। तो लेट्स एग्जीक्यूट द पी स्प्रेड, क्योंकि ऊपर जाएगा मार्केट मतलब ऑप्शन चेन में नीचे की ओर जो डाउन होता है मूवमेंट, तो अपने को पी का स्प्रेड बनाना पड़ेगा। लेट्स एग्जीक्यूट द पी स्प्रेड। इसका जो मार्जिन वार्जिन सब है 377, रुको लेट मी फर्स्ट सी दिस, 377 समथिंग है, और इसका जो प्रॉफिट है दैट इज 2983, वो मैंने इधर लिख लिया है, और 2983 एंड दैट इज द टोटल 377 था ना, ठीक है 378 है, इसको 377 कर देते अप्रोक्स, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, बट द थिंग इज कि हमको पता है क्या रिस्क ले रहा है करके। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस ट्रेड। तो अभी हमारे पास प्रॉपर आयरन कॉन्डोरी बन चुका है, हमने शुरुआत की थी कॉल स्प्रेड से, अभी हमने पी स्प्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, तो हमारा पूरा आयरन कॉन्डोरी बन चुका है। अभी प्रीमियम्स आर लाइक दिस एंड लेट्स सी वेयर इट एंड्स। द थिंग इज हाउ मच प्रॉफिट वी आर टारगेटिंग, इफ इट रीचेस नियर बाय दिस देन वी माइट क्लोज द पोजिशन, और एल्स वेट, अगर मार्केट स्टेबल होता है तो दैट इज आवर कॉल अगेन, बट मेरे हिसाब से हो जाएगा, उतना कुछ है नहीं। एंड अगेन जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ भाई। ये देख लो मार्केट ऐसा जा रहा है, अब प्रीमियम कुछ ज़्यादा बचा नहीं। अगर आप पी साइड में कैलकुलेशन करेंगे तो अराउंड लाइक कितना 90 और ये 180 है, तो 1 रुपीज़ का कुछ डिफरेंस आएगा अगर हम जीरो होने देते हैं तो। और इधर भी कितना सी साइड में आएगा अप्रॉक्स 45 पॉइंट समथिंग। तो मतलब प्रीमियम ऑलरेडी डिके हो चुका है। लेट्स बुक द प्रॉफिट एंड कैलकुलेट कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है आज, और लेट्स कॉल इट अ डे। ये हटाएंगे 4 पोजीशन से, ये इसको कैलकुलेट, इसको मत देखना दिस थिंग, वो पिछली बार कल मैंने गलती कर दी थी, वो नहीं करने का है। मतलब इसमें से 800 कम होगा हमेशा ही, वो ऑलरेडी एग्जिट की हुई पोजीशन, यार जीरो दम कुछ फंक्शन होना चाहिए जो हमको ये बता सके कि यार जो हम इक्विटी में कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अगर करंट पोजीशन में, एंड ऑप्शन में कितना है जो एक्टिव पोजीशन है उसका, दैट वुड बी ग्रेट। और एल्स आई हैव डेवलप सम एल्गो विच विल डू दैट फॉर मी। एंड ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स कॉल इट अ डे एंड एग्जिट द पोजीशंस एंड सी हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव बुक टुडे। ठीक है भाई, हो गया अपना आज का, तो कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं अपने कितना एम किया था, क्या है कैसा है। देखो यार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा, बट लेट्स नॉट उसके ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी ठीक ठाक कर लिया मेरे हिसाब से, तो जितना अपन टारगेट लेके चले थे उसके हिसाब से। सो लेट्स पेस्ट इट हियर एज अ वैल्यू। ठीक है, हम लोग जो प्रॉफिट बुक किए हैं 10,218 बुक किए हैं, हम लोग 9,000 लेके चले थे, ठीक है थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। पोजीशन एडजस्ट की थी, या फिर जब हम पोजीशन बनाते उस टाइम थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से हुआ है। और हमने ROI जो बुक किया 1.45% बुक किया है, बोथ साइड टूगेदर मिला के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आज का प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसका डिटेल वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। देखिए अगर आपको जो भी, अगर कुछ स्ट्रैटेजी पे कुछ कमेंट करना है यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो, और अगर आपको कुछ जानना है देन ऑल्सो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।